क्योंकि रोड रिएक्शन मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का मशीन है, डिफरेंट टाइप का लुक से बाइक का, एंड सिटिंग पोस्चर भी अलग है। This is not देख रहे हो? Oh, भाई साहब। So guys, अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस। अगर आप लोग इन कोलकाता इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिपी मोटो ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? करते हो सब लोग बढ़िया हो? बढ़िया रहना मेरे तरह। एंड गाइस, देख सकते हो मेरे पीछे आज खड़ी हुई है हस्क्वाना विटप्रिंट 2023 मॉडल ओवीडी 2 फेस 2 लिफ्ट। एंड अगर आप लोग इस मॉडल को 2023 पे खरीदना चाहते हो तो इसमें अभी आप लोग एक फीचर्स मिलता है, ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, इसमें कैसे क्या बदलाव हुआ है, हर एक डिटेल जो इस वाले वीडियो पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो जरूर एंड तक देखना। एंड गाइस, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ KTM BT रोड। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हो, अगर आप लोग KTM एंड हस्क्वाना की कोई भी मॉडल खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली गाइस इस शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट में मेरा सैटी एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करूँगा अगर इस बाइक को बाई करते हो तो। अभी ऑन रोड आप लोग कैसा रोड पर एक्सपीरियंस होगा वो भी शेयर करूँगा। तो गाइस, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट जो एंजॉय करो, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो न्यू हस्क्वाना विटप्रिंट 250cc पे क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या सारा बदलाव होता है आप लोग बताऊंगा। तो पहले गाइस की से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ की मिलेगा जो व्हाइट एंड ब्लैक थीम के साथ है, हस्क्वाना के बैजिंग मिल जाते हैं। नॉर्मल से की नहीं है गाइस, वेव की है। सो चलो पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में गाइस सब लोग इधर पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलता है, विंडशील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। इग्निशन करते ऑन तो हेडलाइट सेटअप देख सकते हो, राउंड शेप में LED DRL मिल जाता है, LED इंडिकेटर है। इग्निशन करते ऑन तो ऐसा कुछ सब लोग हेडलाइट मिलेगा, अगर अपर डिपर करोगे ऐसा लुक आएगा। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात करो, फुल्ली फाइबर है। एंड इधर पे हस्क्वाना के एक बैजिंग मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर थीम के साथ है। इधर पे हम लोग फ्रंट के साइड पे सस्पेंशन के ऊपर एक प्रोटेक्शन की तरह मिल जाता है, जिससे क्या है ना, धूल मिट्टी कचरे से सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। 43 डायमीटर mm का WP एपिक्स का अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है। एंड फ्रंट के साइड पे आपको वाइब्रेट कैलिपर के साथ 320 mm का चंकी सा लार्ज डिस्प्ले मिलता है, जैसे देख पा रहे हो, डुअल चैनल ABS के साथ। अगर फ्रंट एलॉय की बात करूँ, 17 inch का एलॉय व्हील है, देख पा रहे हो एलॉय के ऊपर व्हाइट कलर का स्टिकरिंग मिल जाता है, विटप्रिंट लिखा हुआ। 110/70 सेशन की ट्यूबलेस टायर मिलता है, रेडियल टायर है। टायर प्रोफाइल गाइस कुछ ऐसा है, साइड पे देख सकते हो कितना ज़्यादा थिन है। तो जब लोग इस बाइक को कॉर्नरिंग करोगे ना, उस टाइम पे गाइस बहुत ही बढ़िया आप लोग रोड पे ग्रिप मिलेगा। कैसे ग्रिप प्रोवाइड करते हैं टायर, जब मैं राइड करूँगा उस टाइम आप लोग बता पाऊंगा। इधर पे गाइस सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है राइडर के लिए, क्योंकि नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो आप लोग बताओ फ्रंट का लुक आप लोगों को कैसा लगा। विंडशील्ड वगैरह नहीं है, एकदम राउंड शेप में LED DRL एंड व्हाइट एंड ब्लैक थीम है गाइस। तो इसमें नेक्स्ट अगर बदलाव की बात करें, जैसे देख पा रहे हो टैंक के ऊपर आ चुका है E20 का बैजिंग। मतलब अभी आप लोग इस बाइक को 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल से फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी राइड कर पाओगे। E20 मॉडल फाइनली लॉन्च हो चुका है एंड OBD2 फेस टू लिफ्ट वाला मॉडल है। OBD2 से फायदा यही गाइस, पहले से बाइक जो पॉल्यूशन थोड़ा कम करेगा, माइलेज भी थोड़ा इंक्रीज होगा। एंड ऊपर से देखने में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन अंदर के साइड जो फ्यूल पंप है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि E20 मॉडल है एंड ECU को भी रीमेप करा है। नेक्स्ट अगर साइड बॉडी आते हैं तो फ्यूल टैंक देख सकते हो, फुल्ली फाइबर इधर पे, विथ प्लेन का सिल्वर के साथ लोगो मिल जाता है हस्क्वाना के साथ। एंड जो फ्यूल टैंक होगा इस फुल्ली फाइबर है। ऊपर के साइड में देखो तो व्हाइट मैट फिनिश के साथ ग्लॉजी आप लोगों को ग्रे कलर मिलता है। एंड जो फ्यूल टैंक कैप होगा इस फुल्ली ब्लैक है, हस्क्वाना के बैजिंग भी आप लोगों को मिल जाता है। एंड बहुत ही छोटा सा फ्यूल टैंक है, 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। माइलेज भी एप्रोक्स 28-30 तक मिल जाएगा, लेकिन वो भी कैसे राइडर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसे राइड कर रहे हो इस बाइक को। एंड इधर पे आप लोग देख पा रहे हो की स्लॉट फ्यूल टैंक के ऊपर ही मिल जाता है, इधर से आप हैंडल लॉक भी कर सकते हो एंड इग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड जो बॉडी है ना इस फ्यूल टैंक के साथ ही है, डुअल कलर स्कीम है, इधर पे व्हाइट है एंड इधर पे ग्लॉजी, देख पा रहे हो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ग्रे ग्लॉजी कलर के साथ व्हाइट। एंड थोड़ा अलग है, मतलब जैसे इंडियन मार्केट में आप लोग बाइक देखते हो ना, उस पर इस मॉडल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे देख पा रहे हो बाइक इधर पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन टायर उसके बाद भी कितना ज़्यादा निकला हुआ है। अगर रियर सेक्शन की बात करूँ, इग्निशन कर लेते ऑन
तो रेयर में कि सब लोगों को एलईडी टेल लैंप मिल जाता है, ऐसा कुछ लुक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक है। एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, नंबर प्लेट नॉर्मल से बाइक में इधर पे होता है, लेकिन इस बाइक में गाइस जो टायर हगर है ना इसके ऊपर आप लोगों का नंबर प्लेट जो है फिट हो जाएगा, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एलईडी नंबर प्लेट लाइट है, एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लुक एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक है। जैसे आप लोग इंडियन रोड पर बाइक्स देखते हो ना वैसा डिज़ाइन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट लुक मिलता है आप लोगों को। सो चलो गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब हार्ट के बारे में, कैसा क्या पावर फिगर आप लोगों को मिलता है। लिक्विड कूल फोर वाल्व A5 248.76 cc का इंजन है, टॉर्क प्रोड्यूस करते गए 30.84 bhp एट द 9000 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करते गए 24 Nm एट द रेट 7250 rpm। तो इधर पे इंजन देख सकते हो गोल्डन एंड ब्लैक थीम के साथ, इधर पे हर्स्को वर्ना की बैजिंग भी मिल जाएगा। फ्रंट के साइड में गए इधर पे रेडिएटर है एंड रेडिएटर के साइड में इधर पे वाइट कलर का थोड़ा सा जो है कलर दिखने को मिलता है ब्लैक एंड वाइट थीम के साथ। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रहा है 150 तक एंड इसमें आप लोग CX गियर ट्रांसमिशन मिलता है। जैसे देख पा रहे हो इंजन से जो गियर है ना बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ है, जब मैं इस बाइक को राइड करूँगा उसके बाद बता पाऊँगा तो लोग देख के समझ सकते हो कि राइडर फुटेज जो बहुत ही पीछे की तरफ है, तो थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को सेटिंग पोस्चर मिलेगा। इसके लिए 6 गियर ट्रांसमिशन है, ऐसा कुछ है इधर पे फ्लेक्सिबल नहीं मिलता आप लोगों को। एंड गोल्डन एंड ब्लैक थीम है फुल्ली, देख सकते हो इधर पे सब लेग गार्ड मिल जाता है। एंड जो एग्जॉस्ट है इधर पे O2 का सेंसर कैथोलिटिक कन्वर्टर के ऊपर आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड गोल्डन कलर का एग्जॉस्ट बेंड पाइप है। एंड ओपन चेन सेटअप है 500 km बाद चेन को क्लीन एंड लूप करने की ज़रूरत होगा। पिनियन राइडर के फुट टेस्ट की बात करूँ उसके ऊपर भी रबर कोटिंग मिल जाता है एंड भी गाइस फोल्डेबल है। लेफ्ट साइड में थोड़ा साड़ी गार्ड भी मिल जाएगा। सो चलो गाइस सही बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रो कस्टर के बारे में, इस वाले मॉडल पर इंस्ट्रो कंसोल पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। सो इग्निशन करते हैं एंड इग्निशन का की स्लॉट देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट पोजीशन पे एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉल्सर, छोटा से मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉल्सर, ऊपर के साइड में गाइस वार्निंग वगैरह मिल जाता है, आरपीएम लिमिटेड, इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर, न्यूट्रल अगर अपर डिपर करोगे उसका, एंड राइट साइड में मिलता है गाइस ABS एंड लेफ्ट साइड में जरूर बटन मिल जाता है जिससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कॉल्सर को टॉगल कर सकते हो। फ्यूल रेंज दिखाएगा मतलब बाइक में कितना पेट्रोल है और कितना किलोमीटर चल सकती है, फ्यूल रेंज आप लोगों को मिल जाएगा ट्रिप 2 ABS का ऑन ऑफ भी कर सकते हो। लो फ्यूल अगर होगा वो भी गाइस इधर पर वार्निंग मिल जाएगा। इधर पे छोटा सा गियर पोजीशन इंडिकेटर बीच में गाइस सब लोगों को मिल जाता है, स्पीड ऊपर में गाइस इन्फो, आरपीएम भी इधर पे मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में गाइस इंजन हीटिंग, राइट साइड में मिलता है फ्यूल गेज, नीचे गाइस सब लोग क्लॉक भी मिल जाएगा एंड क्लिप ऑन हैंडल बार है, इधर पे फिटप्रिंट लिखा हुआ है एंड WP Apex का इधर पे दो देख सकते हो सस्पेंशन के लिए। अगर स्विच की बात करो तो गाइस सब लेफ्ट साइड में मिल जाता है पासिंग स्विच, अपर डिपर एंड इंडिकेटर हॉर्न, राइट साइड में गाइस सब मिलता है इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ, देख सकते हो बैकलाइट स्विच है मतलब नाइट के टाइम पे आप लोग विजिबिलिटी जो बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे तो ये स्विच जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि लाइट जलता है तो इसके लिए बहुत ही प्रिवेंटर्स देता है। नॉर्मल से लीवर है आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हो, एडजस्टेबल लीवर नहीं है एंड ऐसा कुछ गाइस कॉकपिट का व्यू है। अगर रियर सेक्शन की बात करूँ इधर पे गाइस मैंने पहले ही बता दिया डुअल चैनल ABS के साथ वाइब्रेट कैलिपर का डिस्क है, 230mm का डिस्क मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय व्हील है, 150/60 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर है, देख सकते हो कितना फैट टायर है एंड साइड का जो प्रोफाइल है बहुत ही थीन है क्योंकि रेडियल टायर है। रियर एलॉय पे ऊपर भी ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएगा फिट प्रिंट का एंड ऐसा कुछ गाइस एलॉय का डिज़ाइन है। एंड रियर पे भी आप लोगों को मिल जाता है WP Apex का व्हाइट कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन, एडजस्टेबल और एडजस्ट भी कर सकते हो इधर से। इधर पे ऐसा कुछ रियर ब्रेक पैडल मिल जाता है जो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है जैसे देख पा रहे हो अंदर के साइड पे है एंड एग्जॉस्ट आप लोग देख पा रहे हो हस्कोबर्ना, ऊपर हस्कोबर्ना मोटरसाइकिल लिखा हुआ है एंड बहुत ही बढ़िया आप लोग एग्जॉस्ट मिलता है इधर पे सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। तो नया इंजन है, चलो गाइस एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देता हूँ कि नया इंजन पे एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को कैसे मिलेगा। इग्निशन करते ऑन एंड ये साउंड है आइडल साउंड है, थोड़ा रेस करके देखते हैं। एंड गाइस इस बाइक का कार्ड वेट है 161 kg एंड ग्राउंड क्लीयरेंस आप लोगों को मिलता है 145 mm, इधर पे देख सकते हो तो ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा कम है। एंड नेक्स्ट अगर बताओ तो इस बाइक का सीट के बारे में, पहले गाइस मैं सीट हाइट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 835 mm का सीट हाइट मिलता है। रियर सीट से पिलियन सीट जो थोड़ा एकदम स्लाइटली ऊपर की साइड है, कुशनिंग की बात करो तो गाइस सॉफ्ट है एंड साइज में अगर बताओ तो बहुत ही छोटा, देख सकते देख पा रहे हो मेरा हाथ से भी छोटा, इधर पे हस्को बढ़ना का एक बैजिंग मिल जाता है एंड ऐसा कुछ सीट है गाइस। पीछे के साइड में ग्रैबल मिल जाता है सिंगल ग्रैबल जो है ब्लैक मैट फिनिश के साथ, एल्युमिनियम का ग्रैबल मिलता है एंड पीछे से ऐसा कुछ व्यू मिलेगा आप लोगों को। अगर दूर से देखोगे तो ऐसा कुछ लुक है मतलब बॉडी जो है खत्म फिट, व्हील जो बाहर के साइड है, नंबर प्लेट बाहर के साइड में जो टायर हगर है उसमें फिट होता है। तो आप लोग ओवरऑल बताओ कि इस बाइक का जो लुक है आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा एंड जो कलर स्कीम है व्हाइट
सिल्वर ग्लॉसी एंड नीचे का थीम देख सकते हो फुल्ली ब्लैक है, मतलब इंजन व्हील्स वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह। एंड जो इंजन का है सिर्फ आप लोग डुअल टोन कलर मिलता है, मतलब इधर गोल्डन एंड ब्लैक थीम के साथ है। सो गाइस आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, अगर आप लोग इन कोलकाता इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस है 263,892 रुपीस। सो गाइस जितना सारा रिव्यू वाला पार्ट बताया था वो सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दिया, अभी मैं लूंगा गाइस इस बाइक का टेस्ट राइड एंड मैं राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलो गाइस अभी राइड करके देखते हैं इस बाइक को, मैं राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करते हो तो कैसा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मेरा हाइट है 5.9 फीट देख सकते हो, दोनों तरफ पैर जो मेरा नहीं पहुंचे, मतलब हील जो है थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, मतलब हाइट चाहिए भाई इस बाइक को राइड करने के लिए। चलो इग्निशन देते हैं, ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चलो गाइस साइड करके देखते हैं। एंड फर्स्ट चीज़ अगर बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है गाइस, मतलब मैं कह सकता हूँ 80% जो है मैं सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है। एंड बाइक में बैठने के बाद मान लो सिर्फ स्पीडोमीटर है और कुछ नहीं है, सामने की तरफ पूरा जो खाली है ऐसा फील आ रहा है, मतलब पता ही नहीं मैं किस पे बैठा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा छोटा सा बाइक है। एंड सेकेंड चीज़ बताऊँ तो गाइस E20 मॉडल पे रिफाइनमेंट मुझे पहले से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं पहले वाला मॉडल भी राइड कर चुका हूँ लेकिन उसमें ना गाइस फुटपेक से वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा फील आता था, लेकिन अभी इस वाले मॉडल पे वैसा कुछ मुझे फील नहीं आ रहा है, मतलब वाइब्रेशन पहले से गाइस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। इधर से गाइस व्यू देख सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, मतलब फुल जो है वाइट कलर है एंड ग्लॉसी के साथ, एंड बारिश भी हो रहा है, लेकिन आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा है बारिश में भीग के आया, गोप्रो में थोड़ा भी पानी आ जाए ना थोड़ा गाइस एडजस्ट कर लेना। सेकेंड चीज़ अगर बताऊँ तो गाइस हैंडलिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आप लोगों को बहुत ही बढ़िया गाइस फिल्टर करने के टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे, इतना बढ़िया आप लोग हैंडलिंग मिल जाता है। एंड अभी मैं फोर्थ गियर पे राइड कर रहा हूँ गाइस, एकदम भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आ रहा है, 4000 के आसपास जो है गाइस मेरा RPM है। एंड कॉकपिट देख सकते हो, छोटा सा कॉकपिट है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इस नोट देख रहे हो भाई साहब क्या ही कुछ नोट है, वाइब्रेशन वगैरह उतना फील नहीं आएगा। रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो बढ़िया गाइस, रियर पे भी विजिबिलिटी जो आप लोगों को मिल जाता है। एंड बहुत ही ज़्यादा ना अलग सिटिंग पोस्चर है, मतलब फुट पे जो पीछे की तरफ है एंड मैं अच्छी तरीके से टैंक को जो ग्रिप कर पा रहा हूँ, लेकिन बाइक जो छोटा फील देता है एंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर। एंड सेकेंड चीज़ अगर बताऊँ तो गाइस क्लच भी गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब एक फिंगर से भी कर सकते, इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्लच है एंड छोटा सा क्लच है। एंड छोटे से गैप से ना गाइस आप लोग इजीली फिल्टर वगैरह कर सकते हो, इतना बढ़िया एंड छोटा सा गाइस बाइक है। ओ भाई साहब क्या थोटल रिस्पॉन्स है, मतलब आप लोग सिर्फ थोटल घुमाओगे और बाइक का पावर जो है आप लोगों को फील आ जाएगा, अगर ब्रेक टेस्ट करके देख देंगे। यस फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक दोनों ब्रेक ही गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ब्रेकिंग का बाइट है बहुत ही असर मिलता है। एंड डुअल चैनल ABS के साथ है तो टायर स्किट होने के भी चांसेस नहीं है। तो चलो हैंडल रेडियस एक बार चेक कर लेते हैं कैसा हैंडल रेडियस हम लोगों को मिलता है। यस गाइस मतलब नेकेड बाइक के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लग रहा है। एंड बहुत ही छोटा बाइक इधर पर देख पा रहे हो, वाइट कलर का फ्यूल टैंक है एंड लेग गार्ड भी हम लोग मिल जाता है। एंड इधर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉकपिट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, हैंडल और भी कुछ नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा चला राइड करोगे ना थोड़ा अलग फील आएगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट है बाइक एंड सिटिंग पोस्चर भी डिफरेंट है। पावर कैसा है मैं थोड़ी देर बाद अभी चेक करूंगा, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड लोगों का रिएक्शन भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, तो चलो हैंडल रेडियस चेक कर लेते हैं। नेकेट के हिसाब से मुझे थोड़ा हैंडल रेडियस जो है वो कम लग रहा है। अगर सेकंड सस्पेंशन की बात करूँ तो गाइस फ्रंट सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है एज कम्पेयर एयर सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन अगर सॉफ्ट होता है तो दिक्कत आता है हाई स्पीड पे आप लोगों को, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी फील नहीं आएगा, लेकिन हार्ड होने से ही फायदा ही गाइस आप लोग हाई रेव करोगे कॉर्नरिंग करोगे ना उस टाइम पे गाइस बहुत ही बढ़िया आप लोगों को स्टेबिलिटी फील आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ वो गाइस सीट ओके है, मतलब उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ओके आप लोग कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा सीट है तो दो बंदे बैठ के उतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब मैं विद पिलियन राइड कर रहा हूँ फिर भी गाइस मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग और अगर ट्रैफिक पड़े कंडीशन पर राइड करोगे ना कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। हैंडलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग को सॉफ्ट देखने को मिलता है एंड हेडलाइट का फोकस चेक कर सकते हो आप लोग। एंड थ्रॉटल घुमाओगे और पावर की डिलीवरी एंड
ऐसे फिल्टर करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि बाइक में पावर है एंड ब्रेकिंग बाइक भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसके लिए आप लोग कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। मैं जैसे कि देख पा रहे हो फिल्टर करने के टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोग थोड़ा डिफरेंट मशीन ढूंढ रहे हो, मतलब एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर, पावर बढ़िया चाहिए एंड ब्रेकिंग भी चाहिए, उन लोगों के लिए बाइक जो बेस्ट होगा, क्योंकि रोड रिएक्शन मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप का मशीन है, डिफरेंट टाइप का लुक से बाइक का एंड सिटिंग पोस्चर भी अलग है, पावर भी अच्छा खासा फील आ रहा है। अभी मैं 4000-5000 आरपीएम पे राइड कर रहा हूँ लेकिन फुट पे हैंडल बार पे उतना वाइब्रेशन मुझे फील नहीं आ रहा है। जब 6000 आरपीएम के आसपास जा रहा हूँ उस टाइम पे हल्का सा जो है टैंक पे वाइब्रेशन फील आ रहा है एंड हेडलाइट का फोकस भी बहुत ही बढ़िया है। एंड नेक्स्ट अगर गियर की बात करूँ तो उतना ज़्यादा मुझे हार्डनेस फील नहीं आ रहा है, मतलब सॉफ्टली गियर भी चेंज हो जा रहा है। देख रहे हो गाइस एग्जॉस्ट नोट, मतलब एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा डिफरेंट है। तो सीट देख सकते एकदम छोटा सा एकदम टैंक के ऊपर आ चुका है, एकदम छोटा सा सीट है, क्लच भी सॉफ्ट है। हाई रेफ पे एग्जॉस्ट नोट ही पूरा चेंज हो जा रहा है गाइस, थोड़ा अगर आरपीएम हाई रेफ करोगे ना उस टाइम पे बाइक में एक अलग ही पावर डिलीवरी है एंड एग्जॉस्ट नोट पूरा चेंज हो जा रहा है। हाई रेफ पे हल्का सा जो है फुट पेक से अपना वाइब्रेशन फील आएगा, उतना ज़्यादा नहीं हल्का सा वाइब्रेशन फील आएगा। अगर रेड लिमिट पे जाओगे उस टाइम पे तो फील आ सकता है ज़्यादा। एंड E20 का बैजिंग भी आ गया है तो आप लोग पता ही है कि फ्लेक्स फील के साथ आप लोग जो इस बाइक को राइड कर सकते हो। 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल जो है ये मॉडल सपोर्ट करता है। अभी रोड को ना बहुत ही ज़्यादा ग्रिप करके बाइक भागता है, मतलब छोटा नेकेड बाइक है, ऐसा नहीं है कि रोड ग्रिप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आप लोगों को फील आएगा। मतलब रोड को जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रिप करके बाइक जो चलता है वो फील है एंड थोड़ा डिफरेंट मशीन है इसके लिए। एंड इसमें जैसे साइड स्टेयरिंग इंजन कटऑफ सेंसर भी मिलता है, साइड स्टेयरिंग गिरा हुआ रहेगा तब लोग बाइक को राइड नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिक जो इंजन को किल कर देगा। ये भी एक गाइस बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर्स है। मुझे तो गाइस इस बाइक को राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा है एंड बाहर में देखो गाइस कितना बढ़िया लुक लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट मशीन है। सिर्फ इधर पर व्हाइट है एंड फुल जो नीचे आप लोग को ब्लैक मिलता है एंड फ्रंट का LED हेडलाइट का सेटअप देखो गाइस। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ गाइस KTM BT2, अगर आप लोग इसमें रहने वाले डेफिनेटली गाइस इस शोरूम पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इस शोरूम का एड्रेस हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आप और भी कुछ क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे का आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पर, सो बाय।